हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने लेसन 6 लेटर राइटिंग पढ़ा था। अगर आपने लेसन 6 नहीं देखा है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लेसन 7 पढ़ेंगे, इसका नाम है एनवायरनमेंट। चलिए शुरू करते हैं। वी लिव इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। वी हैव सो मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास भी बहुत सी चीज़ें हैं। Some of them are natural and some are man-made. उनमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। These things are further classified into living things and non-living things. इन चीज़ों को सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं में वर्गीकृत किया गया है। Plants, animal, air, water and soil अफेक्ट आवर लाइफ, पौधे, जानवर, हवा, पानी और मिट्टी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर को रिलेटेड एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक आवर एनवायरनमेंट हेल्दी, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं और हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर, हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सभी सजीव वस्तुओं को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। द एयर वी ब्रीथ शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह प्रदूषण से मुक्त होनी चाहिए। पॉल्यूटेड एयर कॉजेज मैनी डिजीज सच एज कैंसर, हार्ट ट्रबल एंड लंग डिजीज। प्रदूषित वायु, पॉल्यूटेड एयर, ये जो प्रदूषित वायु हैं ये कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों जैसी कई बीमारियों का कारण बनती हैं। द मेन पॉल्यूटेंट्स आर स्मोक, मुख्य प्रदूषक धुआं है। डस्ट एंड पॉइजनस गैसेस, डस्ट यानी कि धूल है और पॉइजनस गैसेस और जहरीली गैसें हैं। इट मींस मुख्य प्रदूषक धुआं, धूल और जहरीली गैसें हैं। दीज कम फ्रॉम फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स एंड चिमनीज, यानी कि ये कहाँ कहाँ से आती हैं, फैक्ट्रीज यानी कि कारखानों से, मोटर व्हीकल्स यानी कि यातायात के साधनों से एंड चिमनीज यानी कि चिमनियों से। इट मीन्स ये कारखानों, मोटर वाहनों और चिमनी से आता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सभी सजीव वस्तुओं को या सभी जीवधारियों को पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज यूजफुल इन मैनी वेज, पानी कई तरह से उपयोगी है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं, बाथिंग नहाने के लिए करते हैं, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए करते हैं एंड कुकिंग यानी कि खाना बनाने के लिए करते हैं। इट मीन्स हम पानी का प्रयोग पीने, नहाने, धोने और खाना पकाने के लिए करते हैं। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज देयर हार्मफुल केमिकल्स एंड लिक्विड गैसेस एंड मेक द वाटर पॉल्यूटेड। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगीकरण के कारण द फैक्ट्रीज यानी कि जो कारखाने हैं एंड इंडस्ट्रीज और जो कंपनियां हैं, व्यापारी कंपनियां हैं, डिस्चार्ज देयर हार्मफुल केमिकल्स, अपने खतरनाक जो केमिकल हैं उनको क्या करती हैं, फेंक देती हैं यानी कि डिस्चार्ज कर देती हैं। एंड लिक्विड गैसेस, और लिक्विड गैसेस यानी कि तरल पदार्थ और तरल गैसों को। एंड मेक द वाटर पॉल्यूटेड, और पानी को
प्रदूषित कर देती हैं। इट मीन्स औद्योगीकरण के कारण कारखाने और उद्योग अपनी हानिकारक रासायनिक और तरल गैसों का निर्वाहन करते हैं और पानी को प्रदूषित करते हैं। वाटर इज प्रीसियस, पानी बहुमूल्य है। सो वी शुड कंजर्व द वाटर, इसलिए हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए। हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज आल्सो अ वे ऑफ सेविंग, वर्षा जल संचयन भी बचत का एक तरीका है, यानी कि इस तरीके से भी हम पानी को बचा सकते हैं। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, पृथ्वी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। प्लांट ग्रो इन इट, पौधे इसी में उगते हैं। व्हेन मैन लर्नड फार्मिंग ही स्टार्टेड डिफॉरेस्टेशन, जब मनुष्य ने खेती करना सीखा तो उसने वनों की कटाई शुरू कर दी। इट क्रिएट्स इम्बैलेंस इन नेचर, यह प्रकृति में असंतुलन पैदा करता है। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू दिस, ग्लोबल वार्मिंग इसी का कारण है, या ग्लोबल वार्मिंग भी इसी के कारण होती है। देयर इज एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। वी शुड इनकरेज प्लांटेशन, हमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए। टुडे नॉइस पोल्यूशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम इन बिग सिटीज, आज ध्वनि प्रदूषण बड़े शहरों में समस्या बन गई है। मोटर व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, लाउड स्पीकर्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस, मोटर वाहन, कारखाने, लाउड स्पीकर बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लाउड साउंड क्रिएट्स हियरिंग डिसऑर्डर, तेज आवाज़ से सुनने में दिक्कत होती है। अवर अर्थ इज अवर होम, हमारी पृथ्वी हमारा घर है। वी मस्ट केयर फॉर इट, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। पॉल्यूशन हैज बिकम अ ग्रेट चैलेंज बिफोर अस, प्रदूषण हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। अवर स्लोगन शुड बी टू सेव द अर्थ इज माई ड्यूटी, हमारा नारा होना चाहिए क्या कि पृथ्वी को बचाना मेरा कर्तव्य है। वी शुड इम्प्लीमेंट इट बाई कैरिंग आउट मोर प्लांटेशन एंड मोर वाटर हार्वेस्टिंग, हमें इसे और अधिक वृक्षारोपण और अधिक जल संचयन करके लागू करना चाहिए। तो ये तो था आपका लेसन, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एंड नो दियर मीनिंग्स, इन वर्ड्स को पढ़िए और इनके मीनिंग भी बताइए, ठीक है। तो देखिए देखिए वर्ड मीनिंग, ठीक है, हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट है सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी। नेक्स्ट है प्रीसियस, प्रीसियस मीन्स कीमती या बहुमूल्य। नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स मीन्स प्रदूषणकारी यानी कि प्रदूषक। नेक्स्ट है अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स प्रभाव। नेक्स्ट है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स संरक्षण। नेक्स्ट है डिसीज, डिसीज मीन्स रोग। नेक्स्ट है कोरिलेटेड मीन्स सहसंबद्ध। नेक्स्ट है प्लांटेशन, प्लांटेशन मीन्स वृक्षारोपण। नेक्स्ट है पॉइजनस, पॉइजनस मीन्स जहरीला। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण। नेक्स्ट है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगीकरण। नेक्स्ट है ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स सांस लेना। नेक्स्ट है क्लासिफाइड, क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत। नेक्स्ट है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीन्स मुक्ति, डिस्चार्ज मीन्स निर्वहन करना या निकालना। लिक्विड, लिक्विड मीन्स तरल। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। केमिकल, केमिकल मीन्स रासायनिक। नेचुरल, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। नॉइस, नॉइस मीन्स शोर। डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई।
नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव, लिविंग मीन्स सजीव। तो ये थे आपके वर्ड मीनिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। कंप्रहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं। आंसर, वी लिव इन अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। व्हाट डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ, सभी सजीव वस्तुएं सांस लेने के लिए क्या यूज करती हैं। एयर, ठीक है, आंसर लिखेंगे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सभी सजीव वस्तुओं को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। नेम द डिसीज कॉज्ड बाई पॉल्यूटेड एयर, प्रदूषित हवा के कारण होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। आंसर, पॉल्यूटेड एयर कॉजेज मैनी डिसीज सच एज कैंसर, हार्ट ट्रबल एंड लंग डिसीज। प्रदूषित हवा से कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। आंसर, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जंगलों की कटाई या वनों की कटाई ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, हमें ग्लोबल वार्मिंग से अपनी अर्थ को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर, वी शुड इनकरेज प्लांटेशन, हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। नेक्स्ट, वर्ड पावर, मैच करना है, मैच द अपोजिट वर्ड्स। बैलेंस, बैलेंस का अपोजिट इम्बैलेंस। अपर, अपर का अपोजिट लोअर। ब्यूटीफुल, अपोजिट अगली। मेक, मेक का अपोजिट मार। लाइफ, लाइफ का अपोजिट डेथ। यूजफुल, यूजफुल का अपोजिट हार्मफुल। लिक्विड, लिक्विड का अपोजिट सॉलिड। ठीक है, तो ये तो थी आपकी मैचिंग। इसको कैसे लिखना है ये देखिए, इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। बैलेंस के आगे उसका अपोजिट वर्ड, ठीक है, बैलेंस, इम्बैलेंस, अपर लोअर, ब्यूटीफुल अगली, मेक मार, लाइफ डेथ, यूजफुल हार्मफुल, लिक्विड सॉलिड। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऐड ing टू द फॉलोइंग। ये वर्ड दिया है आपका, सेंड, रिसीव, सेव, लाइव, फार्म एंड हार्वेस्ट। इसमें आपको ing ऐड करना है। कैसे ऐड करना है देखिए, सेंड प्लस ing क्या हो जाएगा, सेंडिंग। नेक्स्ट है रिसीव प्लस ing क्या हो जाएगा, रिसीविंग। नेक्स्ट है सेव प्लस ing क्या हो जाएगा, सेविंग। लाइव प्लस ing लिविंग। फिर है फॉर्म प्लस ing फॉर्मिंग। फिर है हार्वेस्ट प्लस ing हार्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति। फर्स्ट है द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ क्या कहलाती है, सॉइल। ठीक है, अर्थ का दूसरा नाम सॉइल भी है इंग्लिश में, साइनोनेम है अर्थ का सॉइल। ठीक है, वैसे सॉइल मीन्स मिट्टी होता है, लेकिन यहाँ पर साइनोनेम यूज किया जाएगा। बी पार्ट है लाउड स्पीकर्स डैश अ लॉट ऑफ नॉइस, क्या आएगा, लाउड स्पीकर्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस। नेक्स्ट है द मेन पॉल्यूटेंट्स आर, कौन कौन से हैं, स्मोक, डस्ट एंड पॉइजनस गैसेस। डी पार्ट वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। ओके, नाउ टिक द राइट एंड रॉन्ग। अब यहाँ पे हमको राइट एंड रॉन्ग यानी कि ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट है वी कैन लाइव
विदाउट एयर, हम हवा के बिना जीवित रह सकते हैं, ये कैसा होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, पोल्यूटेड एयर कॉजेज मैनी डिसीज, प्रदूषित हवा के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ये कैसा है? ट्रू। वी शुड नॉट सेव वाटर, हमें पानी नहीं बचाना चाहिए, ये कैसा है? फॉल्स। डिफॉरेस्टेशन क्रिएट्स बैलेंस इन नेचर, जंगलों के कटान से यानी कि डिफॉरेस्टेशन से प्रकृति में बैलेंस स्थापित हुआ है, ये क्या है? ये फॉल्स है। लाउड स्पीकर्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस, यानी कि लाउड स्पीकर से बहुत सारा शोर उत्पन्न होता है, तो ये कैसा है? ट्रू है। तो ये थे आपके ट्रू फॉल्स। अब चलते हैं यूज दीज वर्ड्स, यानी कि यूज ऑफ वर्ड्स पे चलते हैं, यानी कि इनको हमें अपने सेंटेंस में यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, आंसर दे हैड इम्पॉर्टेंट मैटर्स टू डिस्कस। नेक्स्ट पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज कॉज पॉल्यूशन। नेक्स्ट डिसीज, पोल्यूटेड एयर कॉजेज मैनी डिसीजेस। हार्वेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो अ वे ऑफ सेविंग सॉइल, द टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यहाँ पर आपका लेसन 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 8 पढ़ेंगे, सेफ्टी रूल्स एंड जर्नल अवेयरनेस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लेसन 1 से लेके 8 तक के सारे वीडियोस का लिंक उपलब्ध कराया है। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।